साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना जी पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिकी 2022-23 भारत एवं विश्व नामक पुस्तक निकाली गई है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इस पुस्तक के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो आपके आगामी परीक्षा, विशेषता पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है और यूपीएससी की परीक्षा होनी है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर देखेंगे। और आज के दिन हम लोग इसका जो पहला कह सकते हैं चैप्टर या पोर्शन है, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, इसको देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, या जिसे शॉर्ट में पीएम स्वनिधि कहते हैं, को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अगला है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की है? तो एलन मस्क ने की है। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने कितने बिलियन डॉलर में किया है? तो 44 बिलियन डॉलर में। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है? तो यह है एलायंस एयर है। एलायंस एयर का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने। वहीं अगला है आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है? तो इसे सी कर दिया गया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट जारी करता है। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है? 8.2%। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कितना अनुमान किया गया भारत की विकास दर की 2022 में? तो 8.2%। वहीं वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला है वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूँ आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? मिस्र ने प्रदान की है। टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो यह है टाटा न्यू नाम से। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटा करके कितना कर दिया गया है? 8% से 8% कर दिया गया है। आगे चलते हैं, यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया? जो 8.7 से 8% किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम TDC कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्रालय ने किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। अगला है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें साइरस पूनावाला ने प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाड़ी। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। अगला है पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, कौन सी बनी है? तो यह है डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश में। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस कार्यक्रम का नाम है जीवा। नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समावेशन है? तो वाटर सेट कार्यक्रम के तहत। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीट आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? 7 से 28 फरवरी 2022 तक। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो यह है 7.8% बढ़ने की उम्मीद है क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार। अगला है श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ किया है। यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ है? तो भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के मध्य यह हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते की राशि कितना है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस देश ने संघीय
कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, आईसीसी के द्वारा। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? पांचवां स्थान है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक देश कौन सा था? नेपाल रहा है। यह आंकड़ा किसने जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर के 2025-26 तक कर दिया गया है, मार्च 2026 तक। यह किस मंत्रालय की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? तो सेल्स फोर्स ने। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत रहा है। वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? तो एप्पल कंपनी ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 6.6% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में भारत किस देश का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो ब्राजील का बना है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो यह है भारत। ठीक है, भारत बना है। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय बीमा संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ में किया है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर कौन जारी करता है? तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 2021 में 26% की कमी आई है। UNCTAD, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? NSE इंडिसेस ने लॉन्च किया है। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में 22 से 26 मई 2022 के मध्य में। इसकी थीम क्या निर्धारित है? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपुल है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? 207 मिलियन, जबकि 2019 में कितना था? 186 मिलियन। वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? 5.9%, जबकि 2021 में यह 6.2% था। मतलब बेरोजगारी दर वैश्विक स्तर पर कम हुई है। वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 59.3%। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में, ऑक्सफॉर्म इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो 2021 में जो है 40 नए अरबपति बने हैं। आगे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जारी किया है। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आकलित किए गए हैं? 5.5% आकलित किए गए हैं। वैश्विक विकास दर के वर्ष 2022 व 2023 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वैश्विक विकास दर के 2022 में 4% और 2023 में 3.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वैश्विक विकास दर के अनुसार नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट जो 2022 रिपोर्ट है इसके अनुसार। आगे देखते हैं।
वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आंकलित की गई है? 9% आंकलित की गई है, जबकि 2021 में 2022 के लिए 6.7% और 2023 के लिए 6.1% आंकलित की गई है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? तो HDFC बैंक को। भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ में। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार या इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि वार्षिक कितनी आंकी गई है? तो 8.3% 2021 में 8.3%, जबकि 2022 में 8.7% आंकलित की गई है। हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष IPEF पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने। अगला है, इस समिति का पुनर्गठन इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इस समिति की के पुनर्गठन की अध्यक्षता जो है गुरुमूर्ति महालिंगम की अध्यक्षता में किया गया है। किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IFA के अनुसार, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो IHS मार्केट के द्वारा। भारतीय उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? जापान को पीछे छोड़ करके। वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी रैंक, मतलब भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक जो है 6ठी है, 2030 तक दूसरी बन जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? भारत सरकार ने। इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई है? अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? कुल 7 राज्य लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, इन 7 राज्यों में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? 450 गीगावाट क्षमता का। किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? फिनटेक विभाग बनाया है। फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में 20 इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण है। वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में ऑन टाइम प्रदर्शन में किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। यह सूची किसके द्वारा जारी की गई है? इस सूची को सीरियम द्वारा जारी किया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो यह है एप्पल कंपनी। किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिली है? फिनो पेमेंट बैंक को। अमेरिका ने किन देशों को अगोवा व्यापार वरीयता कार्यक्रम प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है? इथोपिया माली तथा गिनी को। किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? कोयला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? चीन को। वर्तमान विश्व के 2 सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता देश कौन से हैं? अमेरिका और ब्राजील हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई 31 जनवरी 2022 को, बजट पेश करने के एक दिन पहले।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या है या इसकी थीम कह सकते हैं क्या है, तो त्वरित दृष्टिकोण है। त्वरित दृष्टिकोण आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र दृष्टिकोण आधारित है किस पे, तो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% की गिरावट दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 में एवं वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 9.2% अनुमानित है। कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह अनुमानित कितनी है, के लिए यह जो है 3.9% अनुमानित है। कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र। वर्ष 2020-21 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 सेवा क्षेत्र में 2021-22 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमानित है कितना, 8.2%। 2021 में 8.7% के संकुचन के बाद 2021-22 में 8.2% वृद्धि अनुमानित है सेवा क्षेत्र में। वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर -7% रही है, जबकि वर्ष 2021-22 में के लिए जो है कितना अनुमानित है, 11.8% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 8.5% तक अनुमानित है। वहीं वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन रहा है अधिशेष की स्थिति में। 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था, जो देश की विदेशी ऋण से अधिक है। साथ ही यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है। देखिए, स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 तथा 21-22 में जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 2020-21 के लिए जीवीए की वृद्धि दर -6.2% है, -6.2%, और वहीं पर 2021-22 के लिए 8.6% है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक सेकंड। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 20.2%, मतलब देखिए जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 20.2% है, उद्योग तथा उद्योग का 25.9% है, और आपका सेवा क्षेत्र का जो है 53.9% रहा है। जबकि 2021-22 के लिए अनुमानित कितना है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 18.8%, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के लिए 28.2% तथा नहीं उद्योग के लिए 28.2% और सेवा क्षेत्र के लिए 53% रहा है, यह अनुमानित है। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा, चौथा। पहले पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे भारत है। सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 2021 से लगातार 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक है। GST संग्रह जुलाई 2021 से लगातार 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक है। 25 जनवरी 2022 को IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए यह कितनी है, 7.1% अनुमानित है IMF के अनुसार, IMF के द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है, इंडसइंड बैंक ने। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है, डॉक प्राइम टेक ने। अगला है, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए DX अवार्ड जीता है, तो HDFC बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, मिस्र को स्वीकार किया है। सितंबर 2021 में किन देशों को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है, तो ये कुल 3 देश हैं, अब 4 हो गए। तो देखिए, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे तथा मिस्र। पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इसका आयोजन किसके सहयोग से हुआ, फिक्की के सहयोग से। राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पॉम मिशन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका हैदराबाद में आयोजित हुआ। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया 30 जून 2022 तक।
यह आदेश कब जारी किया गया, तो ये कब जारी किया गया बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए 23 दिसंबर 2021 को। आगे चलते हैं, सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में। इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची 9 को, जो कि सोया मिल से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया है, एशियाई विकास बैंक ने, तो 9.7%। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने। NPCI का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कर्नाटक बैंक। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को किसने अनिवार्य किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है, 20 अंक की संख्या है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता है उत्पादकता 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक, पूंजी की सीमा पर पार सौदे हैं, पूंजी की सीमा पार सौदे हेतु। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत। किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थी, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक है। भारत में कुल पंजीकृत EV इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो नंबर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे पे दिल्ली है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे बिहार और पाँचवें पे महाराष्ट्र है। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी, किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी को, तो म्यांमार ने दी है। गुजरात के आनंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैनल का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है, तो दूसरा किस विभाग ने लॉन्च किया है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से। प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया, प्रथम संस्करण 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।